हेलो स्टूडेंट्स, आज OSSTET एग्जाम होता आउ एग्जाम इंग्लिश कंपलसरी क्वेश्चन आंसर सब चेक कर देख मोर पाखे अच्छे क्वेश्चन सेट डी सब क्वेश्चन समान क्वेश्चन सेट कराई किंतु क्वेश्चन नंबर सब एपट सेपट हो देख पहला क्वेश्चन 21 रे दिया हि टर्न डेक्स माय प्रपोजल तो यार आंसर हे टर्न डाउन अर्थ रिजेक्ट करवा टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट करवा तो प्रपोजलटा रिजेक्ट होती यार आंसर हे बी यार आंसर हे बी नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डेक्स प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे यार आंसर हे वाज हे यार आंसर हे वाज हे तो देख द प्रिंसिपल आउ जी प्रिंसिपल सी सेक्रेटरी है तो यार देख द प्रिंसिपल एंड जदि ये एंड पर द सेक्रेटरी जदि थी था तो जो प्रिंसिपल अलग लोक था आउ सेक्रेटरी अलग लोक था एन द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी तो जे इठारे प्रिंसिपल है से ही सेक्रेटरी तो यार आम वर्बटा वाज लगवा सिंगुलर तो जड़े व्यक्ति सिंगुलर तो यार आंसर हो वाज यार आंसरटा वाज हो आंसर वाज करेक्ट नेक्स्ट देख 23 नंबर क्वेश्चन 23 क्वेश्चन तो 23 क्वेश्चन दिया है व्हिच इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पास्ट तो यार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पास्ट पी एस पास्ट पास्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ओके तो 23 रो ए 23 रो ए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देख 24 नंबर क्वेश्चन दिया है 24 व्हिच लेटर इज साइलेंट इन अटम अटम यार प्रोनाउंसिएशन हो अटम तो एन लेटरटा साइलेंट रोचे किन लेटरटा एन लेटरटा साइलेंट रोचे नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देख 25 क्वेश्चन 25 इट डैक्स सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग तो इट डैक्स सिंस 8 o'clock यार ऑप्शन दिया है इज रेनिंग हैड रेनिंग हैज बीन रेनिंग आउ रेन दिया यार करेक्ट आंसर हैज बीन रेनिंग हैज बीन रेनिंग देख यार अर्थ हो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग सिंस 8 o'clock यार अर्थ कि आठ घंटा ठारू वर्षा हो आठ घंटा धरी वर्षा हैज बीन रेनिंग आठ घंटा धरी वर्षा हैज बीन रेनिंग लगवा क्या लगवा हैज बीन रेनिंग देख नेक्स्ट 26 हार्ड ही डेक्स द फास्ट डिविजन ऑप्शन दिया है विल सिक्योर विल हैव सिक्योर्ड वुड सिक्योर तो देख यार क्वेश्चनटा ध्यान रख इन क्वेश्चन दिया है इफ ही स्टडीड हार्ड तो ये सिंपल पास्ट अच्छे किन अच्छे सिंपल पास्ट जदि यहाँ गोटे रोचे आमर एडभर्ब क्लज जदि सिंपल पास्ट थी एडभर्ब क्लज सिंपल पास्ट थे उड लग्सी क्या लग्सी उड लग्सी मन रख जदि एडभर्ब क्लजटा आमर पास्ट परफेक्ट थी पास्ट परफेक्ट थे उड हैव लग्वा तो इन आम आंसर उड सिक्योर करेक्ट विल सिक्योर नहीं हुए विल हैव सिक्योर वुड हैव भी नहीं हुए वुड सिक्योर करेक्ट हो जाए वुड सिक्योर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन दिया वर्ड डेफ्ट इज प्रोनाउंसड डेफ्ट यार प्रोनाउंस डेफ्ट नहीं हुए यार प्रोनाउंसिएशन हवा डेट बी करेक्ट आंसर बी करेक्ट नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन द डाइट इज डेक्स इन कैल्शियम द डाइट इज डेक्स इन कैल्शियम तो डेक्स जगह हम डिफिशियंट डेक्स जगह करेक्ट आंसर हो डिफिशियंट नेक्स्ट देख 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देख 29 रे दिया है ही पेड द ड्यूज डेक्स चेक तो यार आंसर हो बाय चेक से तार ड्यूजटा चेक द्वारा देला बाय चेक यार आंसर हो बाय चेक नेक्स्ट 29 पर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देख आमर 30 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्टिव पेसिव वॉइसटा दिया है दे मेड हर चेयरमैन ऑफ द कमिटी तो यार इफ द एबव सेंटेंस इज चेंज इनटू पेसिव वॉइस इट विल बी जदि आम ये जिन सेंटेंसटा दिया है दे मेड हर चेयरमैन ऑफ द कमिटी तो यहाँ आमको पेसिव फॉर्म लिखबार अच्छे पेसिव फॉर्म बनाबार अच्छे तो ध्यान दियो तो पेसिव फॉर्म बनाबार तार स्ट्रक् रूलटा हो देख यार दे हूँ आमर सब्जेक्ट दे आमर सब्जेक्ट मेड हूँ आमर वर्ब मेड है आमर वर्ब
आउ तापर हर होउछे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आसीगर आमर काना हे जिबा सब्जेक्ट हे जिबा हर हे जिबा सी हे जिबा हर हे जिबा सी। तापर आमर जितकी लेटा पास्ट सिंपल टा आमर सिंपल पास्ट थिले वाज किंबा वेयर लागबा तो सी रे लागबा वाज सी वाज मेड तापर चेयरमैन ऑफ द कमिटी सी वाज मेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी आर सी नंबर आंसर टा करेक्ट हे जिबा सी नंबर करेक्ट आइछे। आउ पैसेज रो क्वेश्चन आमके क्वेश्चन नंबर 31 रु क्वेश्चन नंबर 35 तक दिया है पैसेज रु पढ़ी करी तार आंसर टा करवाटा। तो क्वेश्चन नंबर 31 रे दिया है व्हाट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट वंडरफुल इंजिन व्हाट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट वंडरफुल इंजिन। तुम पैसेज के देखी दो पैसेज रे केन अछि जे देखो पैसेज के तुम डिटेलली पढ़ो डायरेक्ट कर दो व्हाट इज आवर बॉडी इज द मोस्ट वंडरफुल इंजिन आवर बॉडी के मोस्ट वंडरफुल इंजिन टा कोइ छ तो यार आंसर इज बा आवर बॉडी यार आंसर इज बा आवर बॉडी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन टा व्हाट शुड बी फॉलोड फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रेटर फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी ग्रेटर फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी लगी हमके काना फॉलो करबाक पड़वा। तो पैसेज के देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट शुड बी फॉलोड फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रेटर फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी। तो हमके फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी लगी किन जिनिसटा हमके फॉलो करबा के पड़वा तो हमर पैसेज रे देखि नियो। तो पैसेज रे लिखा है पैसेज रे ईट द राइट अमाउंट एंड राइट फूड एट द राइट टाइम इज द फूड रूल एवरीबॉडी दोज हु फॉलो इट यूजुअली नोटिस द बेनिफिट ऑफ ग्रेटर फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी यार अर्थ कि यदि हम यदि फूड रूल के फॉलो करमु फूड रूल के फॉलो करले हमके ग्रेटर फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी रे हेल्पफुल रहबा। तो यार आंसर इज बा 32 रो आंसर इज बा फूड रूल 32 क्वेश्चन रो आंसर इज बा फूड रूल बुझे होचे। नेक्स्ट देखो 33 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट 33 क्वेश्चन दिया है द एंटोनिम ऑफ इफिशियंसी इफिशियंसी रो एंटोनिम हिजबा हमके इन इफिशियंसी इफिशियंसी रो एंटोनिम इन इफिशियंसी बुझे होचे। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन पर देखो 34 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखो 34 क्वेश्चन द फूड रूल इज दैट वन हैज टू ईट एट द राइट टाइम ऑफ द राइट फूड एट डेक्स लिखा है तो डेक्स जगह हमके फिल करवाटे तो पैसेज के देखि नियो। तो फूड रूल ईट द राइट इन्हें लिखा है ईट द राइट एट द राइट फूड एट द राइट टाइम ठीक टाइम में जब हमें यदि फूड खाएमु तो सेटा हमर ये जो तो यार आंसर इज बा हमकर 34 आंसर एट द राइट टाइम 34 आंसर एट द राइट टाइम। नेक्स्ट देखो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज कंसिडर्ड फ्यूल और लुब्रिकेंट ऑफ आवर बॉडी तो यार आंसर इज बी फूड। तो फूड के आमर शरीर फ्यूल बा लुब्रिकेंट कहा जैसी फूड के फ्यूल बा लुब्रिकेंट कहा जैसी। नेक्स्ट देखो तापर गोटे पोएम दिया है पोएम रे पैसेज दिया है और तापर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 36 रु 40टा। तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया है व्हाट विल हैपन टू द माउंटेन्स वन डे। तो पैसेज रे देखि नियो तो यार आंसर काना बा व्हाट विल हैपन टू द माउंटेन्स वन डे। देखो माउंटेन अच्छे वन डे क्रम्बल हवा कण हवा क्रम्बल हवा तो क्रम्बल ऑप्शन देखि नियो क्रम्बल जेन अच्छे तार आंसर टा करेक्ट हो जाए क्रम्बल जेन अच्छे आंसर करेक्ट। तो दे विल लाय क्रम्बल्ड 36 रबी 36 र बी। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखो 37 नंबर क्वेश्चन द रोज इज डेस्क्राइब्ड एज डेक्स रोज के कणा डेस्क्राइब करा छे देखो 37 क्वेश्चन रोज इज डेस्क्राइब्ड एज डेक्स तो रोज देखो ना रोज के डेस्क्राइब करा छे ब्यूटीफुल एंड गे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखो द फाइनल मैसेज ऑफ द पोएट इज एवरीबॉडी विल पास अवे यार आंसर इज विल पास अवे। 39 नंबर क्वेश्चन व्हिच विल बी एम्प्टीड एंड ड्राइड तो हमें कण आमर एम्प्टी ही जाऊछे और ड्राई ही जाऊछे देखो पैसेज रे देखि दियो व्हिच विल बी एम्प्टीड एंड ड्राइड पैसेज रे भल से देखि नियो
तो एम्प्टीड एंड ड्राइड, एम्प्टीड एंड ड्राइड आम पैसेज रखने दिया है देख, एम्प्टीड एंड ड्राइड तो कण आम एम्प्टीड एंड ड्राइ हो ओशन टा, आम ओशन एम्प्टी एंड ड्राई हो तो यार आंसर हो आमर 39 रो, 39 रो आंसर हो ओशन, 39 रो आंसर हो द ओशन, 39 रो आंसर द ओशन। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन टा, द एक्सप्रेशन दैट यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम रिफर्स टू डेक्स, तो आमर ये आमर पोएम रो लास्ट लाइन रे अमर जिन दैट टा एक्सप्रेस कराई, अमर दैट टा जिन यूज कराई छे लास्ट लाइन रे, तो यार मीनिंग कण बतुचे, यार मीनिंग दैट टू पास हो, देखो पूरा पाराग्राफ के पढ़ी दे, देन मीट्स द ग्रीफ वी से फॉर लॉन्ग इट विल नॉट स्टे, दैट टू विल पास अवे, ये आमर ग्रीफ रो मीनिंग के बतुचे, दुख रो मीनिंग के बतुचे, तो यार आंसर हो ग्रीफ, यार आंसर हो ग्रीफ। ओके तो आमर ओ एस एस टी टी इंग्लीश रो कंप्लीट सॉल्यूशन थिला, आंसर की थिला। नेक्स्ट आमर आमर ये तो कंपलसरी थिला, नेक्स्ट आम ऑप्शनल आउ अलग अलग पेपर रो भी बहुत जल्दी आंसर की अपलोड हो जाएगा, तो ठीक।